हेलो, गुड इवनिंग। सो हम लोग अभी स्टार्ट एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं, एंगुलर इम्पल्स। सो इसमें दो टर्म है, फर्स्ट है एंगुलर एंड सेकेंड इज इम्पल्स। इसको ये इम्पल्स को सुना हुआ टर्म लग रहा होगा, नहीं लग रहा है आपको? नहीं पढ़े क्लास इलेवेंथ में बायोलॉजी में पढ़े नहीं हो क्या? अच्छा, बायो नहीं फिजिक्स में पढ़े हो? किस चैप्टर में पढ़े थे? काइनेमेटिक्स में? नहीं, हाँ ये सही बोल रहा है। ये हम लोग क्लास इलेवेंथ में दो बार देख चुके हैं। एक बार आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और फिर दूसरी बार कब आया? रिसेंटली जो हम टॉपिक खत्म किए हैं, सेंटर ऑफ मास। नहीं, सो होपफुली आप लोग पढ़े हुए हो। इम्पल्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वी डिफाइन इम्पल्स। क्योंकि जब फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो हमको पता है कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट यानी हमको टाइम चाहिए, और जब टाइम डिफाइन नहीं है कि फोर्स कितने टाइम के लग पाया, तो हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उस इंस्टेंट पे इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग फोर्स वी डिफाइन इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब तो शायद याद आ गया होगा, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसको डिटेल्स में नहीं किए थे, बट सेंटर ऑफ मास में इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे। सो अपना वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज करो, पीछे का नोट्स पलटो और इम्पल्स वाले टॉपिक को फिर से पढ़ो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में थ्योरी करवाया था, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, मैं आपको बताया हुआ था इसमें जे एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो मैं आप लोगों के लिए रुक रहा हूँ, आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और 5 मिनट के लिए अपना इम्पल्स वाला टॉपिक रिवाइज कीजिए। ठीक है, स्लो रिवाइज कर लियो। ओके, बोल रहा है कर लिए हैं, तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। चलो समझ लेते हैं कि आप लोग रिवाइज कर लियो, तो हम आगे बढ़ते हैं एंगुलर इम्पल्स पे। तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन में जो कुछ पढ़े थे, रोटेशन में उसका एंगुलर वेरिएबल आता है। हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, तभी पढ़ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पढ़े थे एक्सेलरेशन, तभी पढ़ रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सो सिमिलरली हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़े थे इम्पल्स, तो अभी पढ़ रहे हैं एंगुलर इम्पल्स। मतलब यहाँ पे कुछ एंगल का रोटेशन का बात होगा। तो पहले हम एंगुलर इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। तो मैं ये भी बोला हूं कि जो चीज ट्रांसलेशन में फोर्स था वो रोटेशन में क्या है? टॉर्क। तो जब आपने पढ़ा था लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो आप बताओ एंगुलर में एफ की जगह पे क्या आएगा? गुड, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क। सो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी टी। और टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। सो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ आर क्रॉस एफ डी टी, दैट इज एंगुलर इम्पल्स। हम लोग आर को अगर बाहर ले लें, इट कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ डी टी। हमने माना है कि इम्पल्सिव फोर्स किसी एक फिक्स पोजीशन पे लग रहा है, तो उसका उस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है, इसलिए आर को बाहर ले लिया। नाउ इट कैन बी रिटन एज लीनियर इंपल्स। सो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आर क्रॉस जे। एंगुलर इंपल्स क्या है? आर क्रॉस जे। मैं पहले बोल चुका हूं, पहले आप लोग डिवाइस करो, अभी आप लोग खोल रहे हो इंपल्स का। चलो पीछे का पेज बंद करो,
इधर ध्यान दो, जिसमें जो करना वो करोगे, नहीं पाल जो नहीं करना है वो करोगे। अभी पढ़ना लीडर इंपल्स, इसके बाद इंगर इंपल्स जब पढ़ाएंगे, जब आगे जाएंगे तब पढ़ना है इंगर इंपल्स। अभी जो पढ़ा रहे उसको ध्यान से देखो। सो एंगर इंपल्स इज आर क्रॉस जे, हियर जे इज लीनियर इंपल्स एंड आर इज, वेयर आर इज, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी एंगुलर वेरिएबल होता है वो किसी एक्सिस के बाहर डिफाइन हम लोग कर रहे हैं। सो ये एंगुलर इंपल्स भी किसी एक्सिस के बाहर होगा, ये आप लोग कभी पूछे ही नहीं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मानते हैं एक रॉड है, ये रॉड यहां पे हिंज किया हुआ है, ठीक है, और हमने इस पे इंपल्स फोर्स लगाया जे, तो जे यहां पे क्या है, इंपल्स है, जे वहां पे फोर्स नहीं है, जे वहां पर इंपल्स है। तो हमने एक इंपल्स लगाया जे परपेंडिकुलर टू दिस, और यहां पे ये हिंज है और ये डिस्टेंस आर। तो हमने एंगुलर इंपल्स को डिफाइन किया है आर क्रॉस जे, वेयर आर इज, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू, हिंज और एक्सिस, इट इज अबाउट टू हिंज और एक्सिस। सो एंगुलर इंपल्स इज आर क्रॉस जे, जे भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है और एंगुलर इंपल्स भी वेक्टर है। अब लीनियर इंपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो एंगुलर इंपल्स क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो एंगुलर इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लिखेंगे हाउ टू फाइंड एंगुलर इंपल्स। जैसे अब यहां पे हम डाटा देते हैं, इसको जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करना है, सोना नहीं है। काउंट करता हूं, 5, 4, 3, 2, 1, गो। सो अभी हमने एंगुलर इंपल्स को डिफाइन कर लिया, आर क्रॉस जे। सो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक सिंपल डाटा लेते हैं, रॉड हिंज किया हुआ है, मेरा फैब्रिक प्यारा सा रॉड, लेंथ ऑफ रॉड इज 4 मीटर एंड मास, आप लोग बोलो, गुड, 6 kg। सो मास ऑफ रॉड इज 6 kg, लेंथ इज 4 मीटर, और हमने यहां पर एक रॉड के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड, रॉड इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ मास 6 kg, लेंथ 4 मीटर इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ इंपल्स ऑफ 40 newton second, इट्स इंपल्स, इट्स नॉट अ फोर्स, अ इंपल्स ऑफ 40 newton second इज एक्टिंग एट रॉड एट डिस्टेंस 1 meter फ्रॉम वन एंड, देन फाइंड एंगुलर इंपल्स एक्टिंग ऑन द रॉड अबाउट हिंज पॉइंट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि एंगुलर इंपल्स किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट होगा, तो अभी हमने हिंज के अबाउट निकालने बोला है। सो जल्दी जल्दी करो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो। सो आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्या आंसर आया, कोई बताओ, कोई बताओ, 120।
गुड डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलो आउटवर्ड, सही है ठीक है। चलो जिनका हो गया गुड थम्स अप, जिनका नहीं हुआ होना चाहिए था, मतलब आप लोग ठीक से समझे नहीं हो, आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखो। सो करते हैं, यहां पे जे क्या दिया हुआ है 14 मीटर सेकंड, आर क्या दिया हुआ है 3 मीटर, इट्स अ मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, दिस विल बी इक्वल टू आर क्रॉस जे, सो 3 × 40 सिंपल 120 न्यूटन मीटर सेकंड आप बोल सकते हो। फॉर यू डायरेक्शन, आर किधर है, इधर है, जे किधर है, ऊपर है, सो ये आर है और ये जे है, तो आर क्रॉस जे किधर हुआ आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। सो इसका सिंबल को पता है, ये डॉट है, सो एंगुलर इंपल्स हो गया 3 × 40 120। अब यहां परपेंडिकुलर था, अब हमने ये दो बार ऑलरेडी कर चुका है इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट, आर क्रॉस जे अगर ये है, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज आर जे साइन थीटा और आर इंटू जे परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इंटू जे। अब इसको आप मत कोई पूछना कैसे क्यों, ये हम लोग कर चुके हैं पहले, कहाँ आया था टॉर्क में, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस मैग्नीट्यूड इज आर एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर एफ। फिर कहाँ आया एंगुलर मोमेंटम, दैट इक्वल टू आर क्रॉस पी, इट कैन बी रिटन एज आर परपेंडिकुलर इंटू पी और आर इंटू पी परपेंडिकुलर। अब मेरे पास आया एंगुलर इंपल्स, ये है r क्रॉस j, इट्स मैग्नीट्यूड इज r इंटू j परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर इंटू j। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे बनना चाहिए, जिससे नहीं बना आईने के सामने खड़ा हो जाना और पूछना मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। फिर से हमारा प्यारा सा रॉड है, मास ऑफ रॉड इज 6 kg, लेंथ ऑफ रॉड इज 4 meter एंड फोर्स इज एक्टिंग 100 newton एट एन एंगल 37 degree विथ वर्टिकल। मैं बार बार फोर्स लिख रहा हूं, इट्स इंपल्स, rod is kept in horizontal plane, then my question is find angular impulse acting on the rod, find angular impulse acting on the rod। video pause karo, question solve karo fatafat fatafat। okay kya answer aaya bolo, 180 थप्पड़ मार देंगे, ठीक से देख, अभी तक कंपाउंड निकाला नहीं आया यार, 240 द राइट आंसर। करते हैं एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आर जे परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर जे, यहां पे आसान क्या है, वी कैन इजिली फाइंड J perpendicular, it will be 100 cos 37, it will be 80 and R is again 3 meter, so it is 3 × 80 that is equal to 240. Direction again R cross J, R इधर है, J ऊपर है, R cross J outward होगा, so आगे 240, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी बोला था कि लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हमने ये बोला था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी
इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ बी, ये हमारा जे है, राइट। सो एंगुलर इंपल्स क्या है, आर क्रॉस जे इज इक्वल टू आर क्रॉस जे, सो इट कैन बी रिटन एज आर क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, राइट। हम लोग पता है ये है डेल्टा पी, तो आर क्रॉस डेल्टा पी एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, बिकॉज आप लोग पढ़ चुके हो इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक में एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, तो मतलब डेल्टा लगा दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वी गॉट डेल्टा एल। सो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जल्दी छापो, जल्दी छापो, मैं रुका हुआ हूं, वीडियो पॉज करो, इसको छापो, छाप लिए। चलो अरे तीन चार लाइन लिखना, इतने का टाइम लग रहा है, जल्दी कर, बता देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एंगुलर इंपल्स चेंज एंगुलर मोमेंटम, अब मैं बार बार ढोंक रहा हूं कि एंगुलर वेरिएबल सब एक्सिस डिपेंडेंट है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स निकाल रहे हैं उसी के अबाउट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब ऐसा नहीं करना कि किसी के अबाउट एंगुलर इंपल्स निकाले एक डेल्टा के और अबाउट कर दिए, बिल्कुल नहीं। और डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, तुम लोगों का तो पूरा मजा मजा हो गया है, सोच रहे भले ही चलते रहे, घर पे रहना है, कोई स्कूल नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, कोई कोचिंग नहीं, कुछ होमवर्क नहीं मिल रहा है, इससे बाहर निकलो, पढ़ाई करो, ये टाइम लौट कर आने वाला नहीं है। इट द बेस्ट टाइम टू रिवाइज योर क्लास 11 सिलेबस, और आप लोग टेस्ट भी टाइम पर दो। कुछ लोगों से मैं सुना था कि आप लोग आपस में बात कर रहे थे, सर कुछ नहीं बोलते हैं, कल का भी टेस्ट कल भी दे सकते हैं, नेक्स्ट टेस्ट से मैं उसमें टाइम लिमिट कर दूंगा, आप नेक्स्ट टेस्ट नहीं दे पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पसंद करते हैं, फिर से वही हमारा प्यारा सा फेवरेट सा रॉड है, मास ऑफ रॉड इज 6 केजी, लेंथ ऑफ रॉड इज 4 मीटर, इट इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ लीनियर इंपल्स इज एक्टिंग एट द डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम वन एंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज 160 न्यूटन सेकेंड। देन माय क्वेश्चन इज, इफ दिस रॉड हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रॉड हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर इंपार्टिंग दिस लीनियर इंपल्स, मतलब इस इंपल्सिव फोर्स लगने के जस्ट बाद रॉड का एंगुलर स्पीड क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लीनियर इंपल्स में, वहां पे हम लोग पूछते थे इंपल्सिव फोर्स लगने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, वह एंगुलर जुड़ गया, ये एंगुलर इंपल्स लगने के बाद रॉड का एंगुलर स्पीड क्या होगा। मजा नहीं आया, पूरा बोरिंग बोरिंग, कुछ मजाक नहीं, अभी सामने विवेक होता कितना मजा आता उसको चिढ़ाने में, कोई नहीं, समय समय की बात है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कर लिए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो, इनफाइनाइट टाइम नहीं है, टाइम के अंदर खत्म करना है, फटाफट। ओके, सबमिट करता हूं।
पहले में क्या निकाल लेंगे, व्हाट इज एंगुलर इंपल्स एक्टिंग ऑन द रॉड। सो एंगुलर इंपल्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो आर और एफ परपेंडिकुलर ही है, तो सिंपली 3 × 160 क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एंगुलर इंपल्स इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर यहां पे 3 है, एफ परपेंडिकुलर 160 है, सो 3 × 160 ओके। अब हमको पता है इस इज इक्वल टू डेल्टा एल मीन्स एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। रॉड का फाइनल एंगुलर स्पीड हमको निकालना है, इनिशियल रॉड रेस्ट में था फॉर इनिशियल ओमेगा 0, यू हैव टू फाइंड ओमेगा फाइनल। या 15 होगा जिसका आ गया सही है, 15 सही आंसर है, या गुड। सो हमको ओमेगा फाइनल निकालना है, फाइनल होता है स्टार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब तो आपको याद हो गया होगा ML²/3 जेड हम लोग बार बार कर चुके हैं 32 kgm², नहीं इसको इतनी बार किए कि याद हो गया होगा। और L क्या होता है, अरे यार तुम लोग कुछ रिवाइज करते हो कि नहीं, मूठा क्लास में जाते हो क्या, कुछ भी रिवाइज किया हुआ नहीं है, ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम फॉर अ बॉडी I × ω। आई ओमेगा, तुम लोग गुस्सा बार बार जाते हो यार, कुछ रिवाइज नहीं करते, बार बार बोलता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट्स आई ओमेगा, सो दैट इज इक्वल टू I × ω फाइनल माइनस निशल ओमेगा 0 है, I 32 × ω फाइनल। सो ओमेगा फाइनल इक्वल टू 480/32, इट्स अ 15 rads/s। कितनों का सही है, सही है तो अपने आप को टैप कर लो, सावासी दे लो खुद से, मैं तो देने के लिए अभी आपके सामने हूं नहीं, बट गुड जिसका सही है अच्छी बात है, जिनका गलत है वीडियो पॉज करो, फिर से बोल रहा हूं जो अभी तक पहले पढ़ा चुके हैं उसके बाद रिवाइज कर लो भाई। रोटेशन के स्टार्टिंग में मैं बोला हूं रोटेशन बहुत आसान है, बट आपको सारे डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको पीछे का बेसिक सब याद होना चाहिए, अदरवाइज आप पूरा परेशान रहोगे, अल्टीमेटली छोड़ दोगे क्लास, मुझे पता है अब वीडियो का बैठा छोड़ यार क्या चक्कर है मस्ती करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, खुद से बन जाए। अब प्यारा सा रॉड, छोटा सा रॉड, रॉड का मास 6 kg, लेंथ 4 m, हिंज एट एंड पॉइंट, ऑफ फोर्स इज एक्टिंग 200 Nm/s, सॉरी इंपल्स इज एक्टिंग एट एंगल 37 degrees विथ वर्क vertical, rod is kept in horizontal plane and released from rest, then find angular speed of rod just after imparting the impulse। हमने इस पोजिशन में इंपल्स लगाया है, इंपल्सिव फोर्स लगाया है, तो जस्ट आफ्टर इंपार्टिंग इंपल्स इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, फटाफट करो। मेरा तो हो चुका है, आपका हुआ, गुड हो गया, क्या आंसर आया फिर से 50 सही है, आंसर विल बी 50। चलो जिनका नहीं हुआ फिर से वही करो, इस बार आईने के सामने नहीं, अपना वेबकैम ऑन करो फ्रंट कैमरा और बोलो मैं ऐसा क्यों हूं। सो एंगुलर इंपल्स निकालते हैं, सो एंगुलर इंपल्स इक्वल टू R × J परपेंडिकुलर, R इज ओ सॉरी
तो देना ही भूल गया, बट कितने स्मार्ट हो गया, खुद से समझ लिए जिसका आंसर 15 आया। तो मेरे दिल की बात जानते हो, क्या कनेक्शन है दोनों का। चलो गुड। सो आर इज 3 एंड जे परपेंडिकुलर इज 160। नहीं नहीं चलो मजाक बंद करो, क्वेश्चन का ध्यान दो। सो इट्स अ 480, फिर से सेम थिंग आ गया ना, दैट इक्वल टू आई ओमेगा, सो ओमेगा आएगा 15। पिछला क्वेश्चन से बिल्कुल सेम रहता है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बोला मत सर आप डंडी मार दिए, पिछले क्वेश्चन में आप नोट किए होंगे वही था। सो ये सब तो हुआ नेट में पूछता है ऐसा है, अब थोड़ा आगे बढ़े कुछ अच्छा क्वेश्चन करे, चलो करते हैं मस्ती, अब तो मजा शुरू होगा रियल मस्ती। ओके क्वेश्चन क्या है, वी हैव अ डिस्क, इट इज हेल्ड एट सेंटर, मास ऑफ डिस्क इज 4 kg एंड इट्स रेडियस इज 2 meter, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज टाइड विद रेस्ट्रिंग मूविंग विद 10 ms, एवरीथिंग इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको ध्यान रखना है सब कुछ किसमें है, जनरल प्लेन पे, मीन्स मान लो सरफेस पे एक डिस्क रखा हुआ है इस तरह से, मान लेते कुछ सरफेस है इस पे डिस्क है और इधर एक ब्लॉक जा रहा है, पहले स्ट्रिंग लूज है, ब्लॉक का मास 2 kg, स्ट्रिंग लूज है और ये 10 ms से जा रहा है। सो ऑब्वियसली स्ट्रिंग का तो कुछ फिक्स लेंथ होगा, तो स्ट्रिंग टाइट होगा, जब टाइट होगा तो इस पे झटका लगेगा और झटका यहां पे अगर ये फिक्स नहीं होता तो इम्पल्स द लिनियर इम्पल्स ये आगे बढ़ता, लेकिन जब ये यहां पे हिंज है ये जो झटका है झटका इसको क्या करेगा घुमाएगा, तो कौन सा इम्पल्स होगा एंगुलर इम्पल्स। देन माय क्वेश्चन इज फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग जस्ट में टाइट हो जाएगा उस समय इसका स्पीड क्या हो जाएगा और डिस्क का ओमेगा क्या होगा, जल्दी जल्दी करो। हो गया आंसर, तो यार मैं सॉल्व नहीं किया हूं, मजा नहीं, मन नहीं कर रहा है मेरा, तुम लोग डिफर लाइफ कर देते हो, तुम लोग करोगे तब तो मुझे मन करेगा क्या। हाँ बस तो बात कर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर, गधा पढ़ ले, शादी होगी तो फिर परेशान रहेगा बीवी से, अभी गर्लफ्रेंड दिखता है। ओके चलो अब मैं करता हूं, देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इतने आपको क्या आसान लगता है, जैसे मैं आपको जब हम क्वेश्चन कर रहे थे लीनियर इंपल्स पर रहते हैं, मैंने बताया था दो मेथड था, एक था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा था वी कैन सॉल्व यूजिंग इंपल्स मेथड। सेम थिंग यहां पे दो मेथड है, एक हम लोग कर सकते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा हम लोग कर सकते हैं, दिख नहीं रहा है ना, मैं फिर से क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, अभी दिख रहा है क्या, राइट दिख रहा है, वैसे मैं आपको क्वेश्चन बता भी रहा हूं, यहाँ पे बाउंड्री खींचते हैं, इसके ऊपर नहीं लिखना है, राइट।
हमने बताया मास ऑफ डिस्क इज 4 kg एंड इट्स रेडियस इज 2 meter, मास ऑफ ब्लॉक इज 2 kg, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 meter per second. देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर टाइटनिंग द स्ट्रिंग. जस्ट आफ्टर टाइटनिंग द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन था. ऑलरेडी मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करूँ, मैं देखा बोर्ड पर आपको दिख नहीं रहा है, कुछ लोगों ने बोला है. सो ओके, इसको हम करते हैं. सो मैं भी आपको क्या बोल रहा था कि इट कैन बी सॉल्व यूजिंग टू मेथड्स. दो मेथड हैं इसके. पहला, वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़े थे सेम. और दूसरा क्या है, एंगुलर इंपल्स. गुड, तू सही टाइम पे कभी सही चीज बोल देता है. सो पहले हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो मैं पहले बोल चुका हूं जब भी हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हमको एक एक्सिस चूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ टॉर्क ऑन अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व अबाउट दैट एक्सिस. मतलब जिस एक्सिस के अबाउट उस पर टॉर्क जीरो होगा उसके अबाउट कंजर्व करेंगे. So, अगर आप हिंज पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, राइट. यहाँ पे एक टेंशन आएगा, जब ये टाइट होगा तो कैसा फेल बनेगा, इस पे इधर टी और ब्लॉक पे इधर टी. अब ध्यान देना, अगर सिर्फ डिस्क को सिस्टम लेंगे तो इसका टॉर्क आएगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगा. अगर सिर्फ ब्लॉक को लिए तो हम लीनियर इंपल्स लेगा, उस पर इधर टेंशन लेगा और ये इंपल्स से टेंशन में झटका लेगा, जो ही टाइट होगा झटका. हम लोग ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं लीनियर इंपल्स टॉपिक में, इसलिए पहले ही बोला कि आप लीनियर इंपल्स को रिवाइज कर लो. अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया वीडियो पॉज करो, अपनी कॉपी खोलो, दो टॉपिक अगला क्वेश्चन भी यूज होगा, दो टॉपिक रिवाइज करो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड लीनियर इंपल्स. अदरवाइज इस लेक्चर को देखने से कोई फायदा नहीं है, हर क्वेश्चन को आप मेरा ही सोल्यूशन देखोगे, अपना आपसे कुछ बनने वाला नहीं है और उससे कोई बेनिफिट नहीं है. एंड बाय द वे, हम लोग नीट का पहले कवर कर चुके हैं, अभी जो क्वेश्चन आगे करवा रहा हूं दैट इज फॉर जे एडवांस्ड. सो इस पे टी इधर, इस पे टी पीछे लग रहा है. सो अगर